का कौन सा आठवां सवाल, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है यानी कि जिस पर मूर्ति रखी जाती है, ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर मान लो एक मूर्ति रखी गई है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। फिर आगे, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये जो है ये कितना है? 45। क्या पता लगाना है? पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो पेडेस्टल को सिर्फ अपने को क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो ये मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लिखनी पड़ेगी, जो जो पॉइंट हैं ए बी सी डी, तो दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी यहाँ पर हमें। कौन कौन सी लें? ए सी डी और कौन सी? बी सी और ठीक है। इसमें ये दोनों में आएगी ये वाली साइड, तो इसको भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। तो ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं एक बार, ए सी और डी, ठीक है। तो ये ले लो वाई डिवाइड में 1.6 प्लस x। क्या किया है? किसके डिवाइड में क्या किया है? बेस के डिवाइड में क्या किया है? परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? कोट बनेगा। क्या बनेगा? कोट। कितना बनेगा? हाँ, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल लिए ना आपने, तो इसमें कितना आएगा? तो वाई डिवाइड में कितना? 1.6 प्लस x, कोट 60 की वैल्यू 1 डिवाइड में कितना? √3, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.6 प्लस x, ये डिवाइड में है, वहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा? √3। इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरी में चलते हैं, बी सी डी में ले लेते हैं वाई डिवाइड में कितना? एक्स। वाई डिवाइड में कितना? एक्स। किसके डिवाइड में क्या किया है? बेस डिवाइड में क्या किया है? परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन पी क्या होता है? कोट। कोट कितना आएगा? यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। तो कोट 45 का मान होता कितना है? एक्स गुना में कोट 45 का मान कितना आएगा? 1। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स, ठीक है। ये भी वाई इसके बराबर है, यहाँ पर वाई इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 से? समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा? 1.6 प्लस x डिवाइड में कितना? √3 बराबर होना चाहिए किसके? अरे यहाँ पर तो ये y के बराबर है, यहाँ पर ये y के बराबर है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 x। x वाले एक साइड लेके जाने हैं, तो 1.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 x माइनस में कितना? x, ठीक है। क्या करेंगे यहां पर बताओ? क्या करेंगे? कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। क्या रह जाएगा? √3 माइनस 1, ठीक है। तो x डिवाइड में कितना हो जाएगा? 1.6 डिवाइड में कितना? √3 माइनस 1।
ये क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नीचे रूट थ्री माइनस वन आया है, तो इसका क्या करें, प्रमेयकरण यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन, हाँ उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करेंगे ना। तो ऊपर कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.6 रूट थ्री प्लस में कितना 1, नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्केयर यानी कि रूट थ्री का स्केयर माइनस में क्या हो जाएगा 1 का स्केयर। ठीक है, तो स्केयर से रूट कट जाएगा, तो नीचे कितना 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर कितना है 1.6 ब्रैकेट में कितना है रूट थ्री प्लस वन अपॉन में कितना है 2। ठीक है, 1.6 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, मल्टीप्लाई में कितना है रूट थ्री प्लस में कितना है 1। ठीक है, अगर रूट थ्री की वैल्यू अगर दे रखी है, हिंट में दे रखी है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हो, वरना फिर आपका यही आंसर रहेगा। नहीं दे रखे तो यही होना चाहिए आंसर, और अगर अपनी तरफ से पुट करनी भी पड़े तो याद रखनी है। ठीक है, क्या होती है, हाँ 1 पॉइंट कितना 73 और प्लस में कितना 1। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ के और फिर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। आ गया समझ में क्या ये। नेक्स्ट, नाइन्थ क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि एक मीनार है, ठीक है, और एक भवन है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, मीनार बड़ी या भवन बड़ा, तो एक बार पता नहीं लगता है ना कौन सी बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जमीन पर ही हैं, देख लेते हैं क्या किसका। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब अगर मीनार से भवन का शिखर देखते हैं तो एंगल कितना बनता है, 30 बनता है, एंगल कितना बनता है 30, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर देखते हैं तो 60 बनता है, तो जिसका एंगल ज़्यादा बन रहा है वो क्या होगी, बड़ी होगी, तो बड़ी ये क्या हो जाएगी, फिर मीनार हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीनार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भवन। तो इसके पैरों से देखते हैं तो कितना बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, और जब भवन के पैरों से देखते हैं तो फिर मीनार का शिखर कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, कितना बनता है, तो बी और सी तो नाम आया ही हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं। तो यहां पर दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन सी, हाँ एक तो ए बी सी बनेगी और बी सी और डी। ठीक है, क्या पता लगाना है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, क्या पता लगाना है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वो क्या मान लेते हैं, वाई। तो कौन सी, त्रिभुज ए बी सी और बी सी और डी, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या नहीं पता, वाई, डिवाइड में एक्स, यही होगा, वाई के डिवाइड में कितना आएगा एक्स, कितना, हाँ कितना, कि क्या बनता है, हाँ बेस डिवाइड में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोट, कितना डिग्री, 30। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट थ्री एक्स आ जाएगा।
ठीक है। दूसरी लेते हैं, क्या है वाई के डिवाइड में कितना आएगा 50, क्या हाँ, क्योंकि बेस डिवाइड में क्या करें परपेंडिकुलर, एंगल कितना आएगा कोट 60, तो y डिवाइड में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 बटे में कितना रूट थ्री, ठीक है। कोई बात नहीं, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। प्रमेयकरण तो तब करते जब वहां से आंसर आ रहा होता, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो यहां से तो किसकी वैल्यू आएगी, y की आएगी, लेकिन मुझे x की चाहिए, तो ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, तो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है, यहां से कितना है रूट थ्री एक्स बराबर ये आ जाएगा, तो समीकरण एक और दो से, ठीक है, यहां पर कितना है रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा 50 डिवाइड में कितना रूट थ्री, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो रूट थ्री गुणा में रूट थ्री थ्री हो जाएगा, रूट थ्री गुणा में रूट थ्री कितना हो जाएगा थ्री, तो थ्री एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 50, एक्स इज इक्वल टू कितना है 50 डिवाइड में कितना है थ्री, ठीक है, मीटर में था तो मीटर में आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकालने की, वैसे तो y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये नहीं भी दे रखा होता तो भी अगर एक साइड अपने को मिल जाए ना, किसी भी एक ट्रायंगल में एक साइड मिल जाए और एंगल मिल जाए, तो उसके बाद में बाकी जो साइड बची होती है वो हम निकाल सकते हैं। आगे समझ में क्या, अगला सम क्या है, दसवां सवाल क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक यहां तक देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके आमने सामने दो समान लंबाई वाले खंबे लगे हैं, ठीक है, फिर आगे बताओ आगे क्या है, हाँ इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के किसी एक बिंदु से, ठीक है, क्या क्या है, साठ और यानी एक खंभे का और दूसरे खंभे का, ठीक है, तो एक का तो कितना है 30 है और एक का कितना है 60 है, ठीक है, क्या पता लगाना है खंभों की, खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई, ठीक है, और क्या पूछा है, दोनों खंभों के बीच की दूरी तो 80 है, दिखाई दे रही है ना, क्या दे रखा है, हाँ खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से तो खंभा ये हो गया, यहां से यहां तक की दूरी ये पता लगानी है और यहां से यहां तक ये पता लगानी है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं, तो फिर ये कितनी बच गई, 80 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि सारी कितनी थी 80 थी, सारी कितनी थी 80 थी, तो यहां तक अगर एक्स मान ली तो फिर ये कितनी बच जाएगी 80 माइनस में कितना एक्स, आगे समझ में क्या, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तो दो ट्रायंगल बनेंगे कौन कौन सी, ए बी सी और कहाँ है बी सी डी, सी डी, नाम तो अल्फाबेटिकल ले लिया करो, जैसे ए बी सी बोली जाती है वैसे ही बोल लिया करो उसको, तो क्या हो जाएगा सी डी और क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी में देखो क्या ले, वो ले लो जो बेशक y ऊपर ले लो, पेंडिकुलर डिवाइड में क्या कर रहे हैं बेस, क्या होता है 10 होता है 10 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स गुना में
टेन थर्टी का मान वन बाई रूट थ्री, तो y इज इक्वल टू कितना 80 माइनस एक्स डिवाइड में कितना हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है, दूसरा कौन सी ट्रायंगल है सी डी ई में, ये भी क्या कर लेते हैं y डिवाइड में क्या कर लेते हैं x, क्या बनेगा क्या बनेगा टेन कितना बनेगा 60। तो y इज इक्वल टू एक्स गुना में कितना हो जाएगा रूट थ्री, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी y के बराबर है, वहाँ पे भी y के बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइड में कितना रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना डिवाइड में कुछ नहीं रहेगा माइनस का x इधर ले आओ तो क्या हो जाएंगे 3x तो पहले ही थे, एक और आ गया 4x बराबर में कितना x इज इक्वल टू कितना आया कितना आ जाएगा। ठीक है, तो एक खंबे से दूरी तो कितनी है 20 है, तो फिर दूसरे खंबे से दूरी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब क्या करना है खंबों की ऊंचाई और निकालनी है, तो यहाँ से y ये है रूट थ्री एक्स है। ठीक है, तो x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान समीकरण तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट थ्री गुना में क्या करना है x का मान कितना है 20, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 20 वर्गमूल 3। ठीक है, आगे समझ में गया ये। ग्यारहवां क्या है एक नहर है, नहर के तट पर एक टीवी टावर क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी तट का ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर टावर का उन्नयन कोण देखते हैं तो कितना है 60 है। उसके बाद में इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर कहाँ से कौन से पर इसी पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर यानी यहां से आगे 20 मीटर और चलना है, यही होगा ना 20 मीटर और चलने के बाद में फिर क्या है उन्नयन कोण कितना है। अब ये जो शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में क्या, तो यहां से यहां तक तो क्या है नहर है। ठीक है, तो नहर का वैल्यू मानना है क्या मान लेते हैं y, और टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं x। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तो दो ट्रायंगल बनेंगे यहां पर कौन कौन से ए बी सी और ट्रायंगल कौन सी ए बी और डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या रहेगा हाँ एक्स बटे में कितना तो क्या हो जाएगा हाँ परपेंडिकुलर डिवाइड में कितना बेस क्या बनेगा 10 बनेगा कितना 60। 10 कितना बनेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y मल्टीप्लाई में 10 60 का वैल्यू रूट थ्री, तो x इज इक्वल टू कितना रूट थ्री वाई। ठीक है, ये इक्वेशन वन बन गई। दूसरी ए बी डी में x बटे में x डिवाइड में कितना आएगा y प्लस 20 बराबर में हाँ तो p अपॉन में b कितना आ जाएगा 10 कितना 30। तो
एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई प्लस ट्वेंटी, टेन थर्टी का वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस ट्वेंटी डिवाइड में कितना आ जाएगा रूट थ्री। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू। तो ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो समीकरण एक और दो से लिख लेना, वो क्या आ जाएगा, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू कितना, y प्लस ट्वेंटी डिवाइड में कितना रूट थ्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू वाई प्लस ट्वेंटी, इधर आ जाएगा टू वाई कितना ट्वेंटी, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन। ठीक है, तो वाई की वैल्यू टेन मीटर आ जाएगी। ये वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, समीकरण एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट थ्री गुना में कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन रूट थ्री मीटर आ जाएगी। ठीक है।